अच्छा एक मैं छोटा सा, हम लोग तो बच्चे थे जब सुनते थे कि वो तानसेन जी ने राग जो है वो मलर गाया तो पानी गिर गया, और राग दीपक गाया तो आग जल गई, तो ये इसमें क्या सच्चाई है और इसमें कितनी मतलब एक डेप्थ है? देखिए, स्वर के प्रभाव को आप नकार नहीं सकते, सिर्फ बात यह है कि आप कितनी सच्चाई से और कितनी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ आप लगाते हैं। जी जो भी चीज़ें हम सुनते हैं कि चाहे वो किसी पंडित ने या उस्ताद ने पानी बरसाया हो या आग लगाई हो या कोई दूसरे काम संगीत के जरिए हुए हो, वो सब जायज़ है। जायज़ जायज़ है, इसलिए जायज़ है कि संगीत में वो शक्ति है, स्वरों में वो प्रभाव है, और ये जो हमारे शास्त्रीय संगीत जब हम गाते हैं तो उसका जो स्वर जो अपना प्रभाव उत्पन्न करता है उससे सब संभव है। क्या बात, बशर्ते है कि गाने वाला भी उतना ही, उसकी भी उतनी आध्यात्मिक ऊंचाई हो।